Now, we will start next chapter, Magnetic Field Due to Current, Chapter 3. Now, in class 10th, हम लोगों ने किया हुआ है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास चेक करते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फील होता है. देखो, मैग्नेटिक फील्ड है तो मीन्स कहीं मैग्नेटिज्म है. ओके, व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ऑरिस्टेड ने किया था. उसने क्या किया, एक वायर ली एंड ही कनेक्टेड दैट वायर विद अ बैटरी. ठीक है, अब उसने देखा यहाँ कोई मैग्नेट तो नहीं है. अब उसने क्या किया, यहाँ पर ना मैग्नेटिक कंपास रखी इसके ऊपर, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या रखी उसने, मैग्नेटिक कंपास. आपको पता है मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करती है जब आसपास कहीं मैग्नेटिज्म हो. जैसे उसने इसके ऊपर वायर के ऊपर रखा तो इट शोड द डिफ्लेक्शन. इट शोड द डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज सम मैग्नेटिज्म अराउंड इट. ओके, देन ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये देखो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया उसने, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी. जैसे उसने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, मान लो पहले अगर इधर नीडल ऐसे थी और ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी ना, अब इस केस में नीडल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी. डिफ्लेक्शन इज देयर मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिज्म अराउंड इट. सो अरिस्टेड ने कंक्लूड किया कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास चेक करते हैं तो वी फील द मैग्नेटिक फील्ड. So we know that the magnetic compass on show the deflection when it is surrounded by a magnetic field. So current carrying conductor possesses the magnetic field. So current carrying conductor के पास क्या होता है, magnetic field. Now what is magnetic field? Magnetic field है क्या? Magnetic field को आप B से, magnetic field induction को, magnetic field intensity, सब synonyms हैं. Magnetic field intensity, magnetic field induction, okay? Strength of magnetic field को आप B से represent करते हैं. Magnetic field क्या होता है सबसे पहले तो आप ये देखोगे, ये स्ट्रेंथ है. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट. सपोज आपने ये मैग्नेट लिए, ये पिन लेके आ रहे हो, यहाँ आपने पिन रखी है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही. अब थोड़ा पिन को यहाँ लेके आओ, आयरन की पिन को आप यहाँ लेके आ रहे हो, मैग्नेट के पास लेके आ रहे हो. ओके, कोई अट्रैक्शन नहीं है. थोड़ा सा यहाँ लेके आ रहे हो, मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करी. जैसे आप इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हो ना, इट गेट अट्रैक्टेड. सो देखो, वो कहते हैं इतना डिस्टेंस लेके, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट जहाँ पर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हो, यू कैन फील इट्स इन्फ्लुएंस, आप इसके इफेक्ट को देख सकते हो. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, दिस रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच यू कैन फील इट्स इफेक्ट, यू कैन फील इट्स इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच यू कैन फील इट्स इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, अफेक्ट, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. सपोज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ सर्टेन वेलोसिटी बी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है. सपोज आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ. ओके, एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, मतलब करंट है. चार्ज पार्टिकल आ रहा है मतलब करंट है. ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल जो वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा. बेसिकली ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो चार्ज पार्टिकल ना ऐसे आ रहा है वी वेलोसिटी के साथ, क्यू चार्ज पार्टिकल आ रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल बना रहा है. अब हम क्या करते हैं ना, वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, वी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं. जब हम वी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ये वी है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, वी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला वी साइन थीटा. वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इट कंस्टिट्यूट द करंट. चार्ज पार्टिकल आ रहा था मतलब करंट आ रहा है इधर. वी नो दैट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी वन. ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या माना, बी वन. अब देखो जरा ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है मतलब करंट है. करंट है मतलब इसका आसपास कहीं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने नाम दे दिया बी वन. इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने फिर से कहाँ रखा था, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में, बी नाम दिया था जिसको, जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था. अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक मैग्नेटिक फील्ड तो जो आपने एक्सटर्नल लगाया है दैट इज़ बी, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जनरेट हो रहा है दैट इज़ बी वन. अब देखो, टू मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंट्रैक्ट करें, टू मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट करने का मतलब है, मान लो नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ,
नॉर्थ नॉर्थ पास आ रहे हैं, साउथ साउथ पास आ रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ पास आएंगे दे विल रिपेल, साउथ साउथ पास आएंगे दे विल रिपेल। मान लो साउथ नॉर्थ आ रहे हैं तो दे विल अट्रैक्ट। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास आते हैं, या तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगती है या फोर्सेज ऑफ रिपल्शन लगती है, मीन्स कुछ फोर्सेज लगती हैं। जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो क्या लगती है? फोर्स, इधर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। सो वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट, एंड वी नो दैट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी वन, एंड नाउ वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड व्हेन द टू मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट्स दे गिव राइज टू सम फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट मे बी अ रिपल्सिव फोर्स। कहते हैं ये जो फोर्स आती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है, बी लगाया था, जो बी वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा था, उस पे एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू पर कितनी उसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कितना लग रहा है वेलोसिटी का कंपोनेंट वी साइन थीटा पर। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। द फोर्स डिपेंड्स ऑन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच यू हैव अप्लाइड, चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज वी साइन थीटा। अब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स आ जाती है प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? के आएगा आपके पास, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू को आप बाहर ले लो, वी बी को ब्रैकेट में ले लो। वॉट इज वी बी साइन थीटा? ए बी साइन थीटा क्या होता है? वॉट इज ए बी साइन थीटा? ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, लेट के इज इक्वल टू वन, देन वॉट इज दैट? वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो फोर्स की वैल्यू भी आ गई क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। याद रखना जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? देखो फोर्स निकालने के दो मेथड है, मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ जो ईजिएस्ट है, दैट इज वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्रॉस आ गए ना, जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना तो आपने क्या करना है? राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है। राइट हैंड स्क्रू रूल लगाने से क्या होगा? रोटेट द वेक्टर फ्रॉम, रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, रोटेट द फोर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। मींस मान लो आपके पास ये वी था और ये क्या था? बी था। आपने राइट हैंड में स्क्रू पकड़ा, ऐसे स्क्रू पकड़ा और क्या किया आपने? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक घुमाया। पहले वेक्टर से क्या घुमा रहे हो आप? दूसरे वेक्टर। देखो ध्यान से, यस और नो, कहाँ जा रहा है स्क्रू? कहाँ आ रहा है बोलो? यस, सी इट इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी है ना, पेंसिल परपेंडिकुलर है पेपर के, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स बाहर आ रहा। अगर ऐसे जाता तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होता, अब ये ऐसे आ रहा ना बाहर आ रहा स्क्रू, तो डेट इज़ परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो क्या डायरेक्शन होगी इसकी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो बी क्यू वी साइन थीटा। अब हमारा टॉपिक था हमने किसको डिफाइन करना था? बी को डिफाइन करना था, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना था। सो यहाँ से देखो बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। बी निकाल लो यहाँ से, एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। इफ़ क्यू इज इक्वल टू वन कूलम, बी को आप 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा को आप 90 लिख लो। अगर आप Q को 1 कूलम, V को 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा को 90 ले लो तो क्या होगा? देखो ये 1 हो गया, वेलोसिटी भी 1 होगी, साइन 90 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर 1 बन गया, तो B किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर। सो व्हाट इज़ B? B इज इक्वल टू F। देयरफोर अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लेंगे। देयरफोर मैग्नेटिक फील्ड इन द इज द फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज़ द फोर्स। कौन सी फोर्स? Experienced by a unit charge, experienced by a unit charge, unit charge है, enters at 90 degree, 90 degree के साथ enter कर रहा है, कितनी velocity के साथ? 1 meter per second के साथ। अगर कोई 1 coulomb का charge 1 meter per second के साथ 90 degree पर ऐसे enter करता है, ये b है, ये b है, इसकी velocity है 1 meter per second, यहाँ पर जो charge particle आ रहा है वो है 1 coulomb, 90 डिग्री के साथ जब वो एंटर करता है तब उस पर जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है? मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। सी अगेन, सो व्हाट इज़ बी? बी इज इक्वल टू एफ। द मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज एंटरिंग इन टू द मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल एट 90 डिग्री विद अ यूनिट वेलोसिटी। ओके, देन इट इज कॉल्ड द फोर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वॉज वन मेथड हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना
फोर्स में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा था, तो आपने एक मेथड मैंने आपको बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा भी है। फर्स्ट फिंगर क्या बताती है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर आपको, सेंट्रल फिंगर आपको क्या बताती है? करंट। और फर्स्ट थंब आपको क्या बताता है? फोर्स। सो व्हाट इज़ द, दिस इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर विल टेल यू मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो। नाउ वी विल डू सम स्पेशल केसेज बेस्ड ऑन इट। नाउ सी द स्पेशल केसेज। अभी हमने कहा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था? बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा को जीरो ले लो, 180 ले लो, फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आ रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उस पर कभी कोई फोर्स नहीं लगेगी। सीधा डायग्राम, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आ रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, जीरो न्यूटन फोर्स। थीटा 90 पुट करो, थीटा 90 मीन्स साइन 90 इज़ 1, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा? बी क्यू वी के बराबर। इट इज़ अ मैक्सिमम फोर्स, तो मीन जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंटर कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ मान लो और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, देन द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी द मैक्सिमम फोर्स। तो ये वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी ही जीरो है मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मींस अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड लेके अंदर चार्ज पार्टिकल रखो, रख दो, सिर्फ चल नहीं रहा वो, सिर्फ आप रख दो, तभी फोर्स क्या हो जाएगी? क्यू जीरो तो एफ भी जीरो, तो फोर्स एक्सपीरियंस रिमेन इन दैट केस ऑल्सो इज जीरो। तो सेम डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, रेस्ट पे रहेगा, इन तीनों केसेस में फोर्स क्या होगी? जीरो। और मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब आप 90 डिग्री से लेके आओ। अब हम यहाँ से ना यूनिट्स डिफाइन करने लगे हैं बी के। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बी? दैट इज टेस्ला। टेस्ला को हम डिफाइन करने लगे क्या होता है। बी का एक्सप्रेशन निकाला हमने, एफ क्या होता है, बी क्या होता है, एफ बाई बी क्यू साइन थीटा। एफ होता है ना बी क्यू वी साइन थीटा, तो वहाँ से बी निकाल लेंगे हम, एफ बाई बी क्यू साइन थीटा। लेट एफ इज़ 1 न्यूटन, वी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज इज़ 1 कूलम, थीटा इज़ 190। तो जब हम सारों को, इसको 1 मीटर पर सेकेंड, इसको 1 कूलम, थीटा को 90, इसको 1 न्यूटन पुट करते हैं तो जो वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला को हम डिफाइन करने लगे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैंने आपको बताया था बी के 3-4 नाम है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था ई को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह देते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन भी कह देते थे। ये सेम टर्म्स में है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेट टू बी 1 टेस्ला अगर 1 कूलम का चार्ज एंटर क्या करता है नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर कोई 1 कूलम का चार्ज 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है और उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 1 टेस्ला। डायमेंशंस आल्सो यू कैन फाइंड आउट, सी फोर्स इज 1 न्यूटन, फोर्स की डायमेंशंस पुट करो, m1 l1 t-2 अपॉन में वेलोसिटी l1 t-1 अपॉन चार्ज। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? i into t। ओके, क्योंकि i q/t होता है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा? i into t। व्हाट इज़ i? एम्पियर इंटू टाइम। ओके, साइन थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होती, सॉल्व करके यू विल गेट आउट, गेट द m1 a-1 t-2। सो दिस इज़ द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।